तारिक सऊद साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर, चेयरमैन एप्टमा हैं। पिछले दिनों ये एक और जो ढाया गया सितम इस मुल्क के ऊपर कि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कि पहले ही डूबी हुई थी, उसके ऊपर एक और काम ये किया गया कि इंडिया से धागा सस्ता मंगा के मार्केट में छोड़ दिया गया और हमारी जो लूम्स हैं वो बंद होने के करीब आ गई। प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद जाके हुकूमत ने तब टैक्स लगाया। ये कौन सी फैमिलीज, ये कौन से कारोबारी लोग हैं, इनका क्या ताल्लुक है पाकिस्तान के साथ, जो पाकिस्तान के साथ ये खेल खेलते हैं? तारिक साहब, मैं बात आपसे शुरू करूंगा क्योंकि आगाज हुआ है पाकिस्तान जो इंडिया से चीजें मंगवाता है और हमारी अपनी इंडस्ट्रीज जो तबाह होती जा रही हैं उसको देखते हुए, आप क्या समझते हैं ये क्या साजिश थी जो पाकिस्तान के लिए खेली गई कि इंडियन धागा छोड़ दिया गया मार्केट में और हमारी जो इंडस्ट्री है वो तबाह हो रही थी? देखिए, एक चीज तो मैं आपको, थैंक यू सो मच, एक चीज मैं आपको वाजे करूं कि भारत को ये तो पता है कि वो पाकिस्तान के साथ न्यूक्लियर वार नहीं कर सकता, वो हमारे साथ उस जंग में शामिल नहीं हो, उसका मुकाबला नहीं कर सकता, वी आर सुपीरियर अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो इकोनॉमिक वॉर पे उतर आया, पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को तबाह करने के लिए वो इकोनॉमिक वॉर में आ गया। उसने कहा कि बेसिकली क्योंकि टेक्सटाइल इज बैकबोन ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्सटाइल इज बैकबोन ऑफ पाकिस्तान, उसको तबाह करने के लिए वो आगे बढ़े। फिर हमने बीच में गवर्नमेंट को अप्रोच किया, प्राइम मिनिस्टर साहब से भी हमारी मीटिंग हुई, फिर दूसरे मिनिस्टर से भी हमारी मुलाकातें हुई, फिर पैकेज का वायदा हुआ। लेकिन अभी मैं सैटरडे को फिर इसहाक डार साहब ने हमें बुलाया, वहां पर बात हुई और अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर जो है ना हुकूमत ने 15% 10% ड्यूटी जो है ना वो रेगुलरिटी उस पर आयद कर दी है। अब उससे 5% ड्यूटी पहले ही थी और 10% रेगुलरिटी ड्यूटी आयद होने से हमारी सनद को एक सहारा मिलेगा, क्योंकि आपकी लोकल इंडस्ट्री देखें, $13 बिलियन की हमारी टेक्सटाइल सनद जो है ना एक्सपोर्ट करती है, जिसमें 10 बिलियन के करीब एप्टमा की जो है उसमें एक्सपोर्ट है। तो इसको बचाने के लिए बहुत जरूरी था कि आप अपनी सनद को बचाएं। भारत ने 28% हमारे ऊपर ड्यूटी लगाई हुई है कि अगर हम यहाँ से कोई चीज भेजना चाहें, वो 28% ड्यूटी उन्होंने लगाई ताकि अपने सनद को वो बचाएं। इसी तरह टर्की ने भी लगाई है। तो आप अभी आजकल वैसे ही हालात देख रहे हैं कि वो किस तरह उनका वो बिहेवियर है मुसलमानों के लिए और हॉस्टाइल सिचुएशन में हैं, हम उनके साथ वॉर लाइक सिचुएशन में हैं। तारिक साहब, एक बात फरमाइएगा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं एक जिक्सी पजल है उसको जोड़ना चाह रहा हूँ, ये कौन लोग हैं जो इस मुल्क में किल्लत पैदा कर देते हैं टमाटर की, आलू की, प्याज की या और चीज़ों की? 1075 आइटम्स की लिस्ट मेरे पास मौजूद है, और कहाँ जाता है वो, और कौन लोग हैं जो वहाँ से लेकर आते हैं और भागे भागे वहाँ से चीज़ें आ जाती हैं, अपने मुल्क की इंडस्ट्री तबाह कर देते हैं? कुछ आइडिया है आपको ये कौन सी फैमिलीज हैं, ये कौन से लोग हैं? इसमें तो मैं अब ये कोई इसके मैं कुछ बता नहीं सकता आलू टमाटर के बारे में। हमें अपनी अपनी एग्रीकल्चर को, अपने मुल्क में जो भी चीज़ पैदा हो रही है, अल्लाह की हर अल्लाह का बड़ा शुक्र है, हर चीज़ यहाँ पर पैदा होती है। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि ये वाकई गलत है कि वहाँ का माल यहाँ आके डंप हो रहा है और अपनी इंडस्ट्री बंद हो रही है, और उसी वजह से गवर्नमेंट आगे फ्रंट पे आई और उन्होंने आप अपनी फील्ड के हवाले से रेलिवेंट उस पर ही बता दें, ये धागा जिन्होंने ठेका लिया और जो पाकिस्तान में इम्पोर्ट करवाया उनके बारे में आपको आइडिया, ये कौन लोग थे? नहीं देखें, आप उसके फ्री ट्रेड है, यहाँ पर फ्री ट्रेड मैकेनिज्म चल रहा था पूरे दुनिया में, जो हमारे पहले जो हमारे एग्रीमेंट साइन फ्री ट्रेड है, लेकिन इंडिया ने अपने इम्पोर्ट के ऊपर 28% ड्यूटी लगाई हुई थी, हमारे पे पहले जीरो थी, फिर वो एक साल डेढ़ साल पहले हमने कोशिश की उस पर 5% लगी, तो उसके बावजूद लोग जो है वहां से इम्पोर्ट कर रहे थे, उनको सस्ता पड़ रहा था वो बना के। लेकिन आपकी अपनी जो इंडस्ट्री है वो यहाँ पर बंद होनी शुरू हो गई थी, तो जो के वो तो चाह रहे थे, जो उनकी ख्वाहिश थी, जो डैमेज और जो डंट डालना चाह रहे थे आपकी इकॉनमी को, विच इज अ वेरी हेल्दी साइन। ठीक है तारिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपना वक्त दिया। चेयरमैन एप्टमा हमारे साथ मौजूद थे, तारिक सऊद साहब, उन्होंने गुफ्तगू की हमारे साथ। ये अभी हालिया वाकया है कि भारतीय धागा जो था वो मार्केट में छोड़ा गया और उसके बाद हमारे जो अपनी इंडस्ट्री है वो बंद होने पर आ गई थी।